आप सबकी टीम को और आने वाले स्पोर्ट्समैन को खुशी तौर पर खराजत हसीन पेश करता हूँ और स्पेशली नदीम जहा भाग साहब हमारे ओवरसीज भाई हैं उनकी बिरूने पर बैठ कर जो वो कोशिश कर रहे हैं अपना खून पसीने की कमाई से कमाया और सरमाया अपने शहर जलालपुर के स्पोर्ट्समैन के पास यूथ पर जो सर्व कर रहे हैं तो उनको खराजत हसीन पेश करता हूँ कि उनका अंदर एक अच्छा जज्बा है और इंशाल्लाह क्योंकि वो इमरान खान के फार्मर हैं, खान के वीर के मुताबिक चलते हैं, खान भी यही चाहता है कि हमारे नौजवान जो है वो स्पोर्ट्स के ग्राउंड आबाद करें ना कि जुए के अड्डे या नशे के अड्डे आबाद हों। तो मैं बार साहब को स्पेशली खराज तसीम पेश करता हूँ और मैं उनके काम से बहुत मुतासर हूँ। तो मैं जितने भी हमारे भाई इधर बैठे हैं, यूथ है, लेबर विंग है, डिफेंस विंग है, स्पोर्ट्समैन है, मैं सबको आज एक पैगाम दे के जा रहा हूं इमरान खान की तरफ से कि जो पाकिस्तान जिना साहब ने बनाया था और जिस पाकिस्तान का आप इकबाल ने देखा था, इस मुल्क पर 70 साल से माफिया लुटेरे और गुंडों का राज है जिन्होंने इकबाल के ख्वाब को तकमील तक भी पहुंचने नहीं दिया। हमारा लीडर इमरान खान अल्लाह ताला की जात ने हमें इकबाल का वो शहीद दिया जिसका हाफ इकबाल ने देखा था। इंशाल्लाह ये इकबाल का वो शहीद है जो इकबाल का हाफ तकबीर तक पहुंचा रहे। माजी में जिस तरह इमरान खान साहब को इकतदार से अलग किया गया, जिस तरह उन पर कातलाना हमले किए गए उनको मारने के लिए, लेकिन मैं खान साहब पर कुर्बान जाऊं कि जिन्होंने गोलियां लगने के बावजूद दुनिया की सुपर पावर है उनको कत्ल कराना चाहती है, लेकिन उन्होंने किसी के साथ डील नहीं की और एक ही बात उनकी जुबान से निकल रही है कि मैं पाकिस्तान से करप्शन और लुटेरों का सफाया करके रहूंगा। और इंशाल्लाह आज वो वक्त आ गया, माफिया ने और पसे पर्दा रहकर जो लोग उनकी मदद कर रही है, इंटरनेशनल लाबियां जो उनकी मदद कर रही है, उनके पास वसाइल होने के बावजूद अरबों डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किए, जो हमारे लीडर इमरान खान ने पिंडी जलसे में ऐलान किया, इंशाल्लाह 2 दिन पहले हमारा लीडर उसमें कामयाब हुआ। बेशक नून लीग ने, पीडीएम ने, जितना ये क्रिप्ट टोला इकट्ठा हुआ है, इन्होंने जजेस को खरीदा। हमारे मुल्क की तारीख का एक स्याह बाब लिखा जाएगा कि अदालतों ने वजीर अला को पाबंद किया कि तुम असम्बली ने टोला के बाद साथ वादा करो। ये एक बहुत स्याह बाब है मुल्क के साथ कि जमहूरियत किस चीज का नाम है कि अदालतें पाबंद कर रही है कि आप वादा करें कि आप हमारी मर्जी से काम करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद हमारे लीडर के साथ है और पाकिस्तान के साथ है और हमारे लीडर ने असेंबली तोड़ के दिखाई इनको। और इंशाल्लाह अब हमारे लीडर की हमारी अगली मंजिल इस्लामाबाद है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्द अदम एतमाद आएगा इस वबाद के खिलाफ और इस्लामाबाद की हुकूमत भी जो 27 किलोमीटर में वो गिरेगी और अल्लाह के फजल से 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। आप लोग इलेक्शन की तैयारी करें और इस दफा इतना जोर लगाएं कि इस पीडीएम को और इस करप्ट माफिया को पाकिस्तान से
एक सीट भी न मिले इंशाल्लाह। और मैं एक बात के साथ इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह हम इमरान खान के कारकुन हैं और अपना जाति संघ जगह भी रखते हैं। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस हल्का से इंशाल्लाह पीडीए की तारीखी जीत होगी और इंशाल्लाह ताला हमारा आप लोग से भाई ज्यादा तलक है। मैं भी भट साहब की तरह ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, नेशनलिटी छोड़ के मैं इधर आया हूँ, कोई सरमाए के लिए कोई कमाने के लिए लेना है। और आप लोगों से हमारा इंशाल्लाह 24 घंटे रहता है, रात को 3 बजे भी किसी भाई की कॉल आए, किसी को हमारी जरूरत हो तो इंशाल्लाह हम हर जगह पे हाजिर है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिस तरह आप लोग का जोश जज्बा देकर मुझे महसूस हो रहा है कि इलेक्शन अनाउंस होने तक आप लोग जलालपुर जिला की आवाम को जगाने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि आवाम जाग चुकी है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का, भाइयों का, इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होती रहेगी और अल्लाह के फजल से इलेक्शन में हम इधर देना डाला के इधर ही बैठेंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।